महाराष्ट्र के सीएम यानी एकनाथ शिंदे के आज सारे के सारे जो अरमान थे, जो दिल में थे, वो आंसुओं में नहीं बल्कि बारिश में धुल गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है और उद्धव ठाकरे के समर्थकों में यानी शिव सैनिकों में खुशी की लहर है, जो जगह जगह पर जश्न मना रहे हैं। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए उनके गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो लगातार खुद को सच्चा शिव सैनिक साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना को काफी बड़ा झटका लगा है। शिवाजी पार्क में दरअसल दशहरा रैली को लेकर दोनों गुटों के बीच में लंबे वक्त से खींचतान चल रही थी, रस्साकशी का खेल चल रहा था, तनाव हो रहा था, लेकिन आज उस पर मुंबई हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना के शिंदे गुट को तगड़ा झटका दिया। मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ समय सीमा की शर्त रखी गई है। साथ ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे से यह भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसकी वो जिम्मेदारी ले। शिवसेना के ठाकरे गुट ने इसकी पूरी तौर पर गारंटी ले ली है और कह दिया है कि हमारी तरफ से आप निश्चित हो जाइए, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएमसी ने रैली की इजाजत ना देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, यानी इस पूरे मामले में अब बीएमसी भी नपने वाला है। कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था को आधार बताकर पिछले 7 दशकों में कभी अर्जी नहीं ठुकराई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने शिंदे और ठाकरे को गुट इन दोनों को ही मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत ना देकर अपने अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से रैली होती चली आ रही है, तब तो आपको कानून प्रशासन का याद नहीं आया, तब तो आप इजाजत पर इजाजत दे रहे थे, लेकिन इस बार आपने पुलिस प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था का हवाला देकर इजाजत देने से मना किया है, उसमें आपने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। बीएमसी के वकील मिलिंद साठे ने यह भी दलील दी थी कि शिवाजी पार्क एक साइलेंट जोन है, वहां होने वाली रैली की वजह से शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 22 और 23 तारीख की अर्जी का जवाब न देकर बीएमसी टाल मोल का जो रवैया है वो अपना रही है, टाल मटोल कर रही है। बीएमसी के वकील ने कहा था कि शिवाजी पार्क पर मुंबई की आम जनता का पूरा हक है और शिवाजी पार्क में सभा के लिए कोई भी परमिशन मांग सकता है, लेकिन जब दो ग्रुप एक वक्त में यहां परमिशन की मांग करते हैं तो बीएमसी का हक है कि वो ये देखे कि कानून व्यवस्था भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए दोनों को ही इजाजत ना देने का बीएमसी को अधिकार है। बीएमसी ने यह भी कहा कि ये जगह मुंबई महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसीलिए पालिका के पास ये अधिकार है कि वो किस गुट को इजाजत दे और किसे ना दे। कोर्ट ने बीएमसी के इस फैसले को साफ तौर पर गलत ठहरा दिया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई महापालिका का निर्णय अंतिम नहीं है और तथ्यात्मक भी नहीं है। कोर्ट ने इस बात के लिए पालिका को जमकर जो लताड़ लगाई और कहा कि 22 और 26 तारीख को उनको आवेदन मिला था, लेकिन उन्होंने जल्दी जवाब ना देकर टाल मोल का रवैया अपनाया है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के वकील जनक द्वारिका दास ने यह दावा किया था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, क्योंकि उनके पास विधायकों और सांसदों का बहुमत है, इसलिए वो सच्चे शिव सैनिक है। जब असली शिवसेना शिंदे गुट की ही है तो रैली की इजाजत भी शिंदे गुट को ही दी जाए, क्योंकि प्रथा और परंपरा तो शिवसेना की रैली ही रही है और शिंदे गुट असली शिवसेना है तो परंपरा आगे शिंदे गुट ही बढ़ाने का हकदार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक इसका सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ है कि असली शिवसेना किसकी है और हाई कोर्ट के पास सुनवाई के लिए ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें शिंदे गुट के विधायक सदा सरवड़कर ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव चल रहा है। बीएमसी के अफसरों को यह आशंका थी कि अगर शिवाजी पार्क मैदान में किसी भी पक्ष को रैली करने की इजाजत दी जाती है तो फिर दूसरा पक्ष भड़क सकता है। इसे देखते हुए बीएमसी ने दोनों ही गुटों को दशहरा रैली करने की इजाजत देने से मना कर दिया।
इसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जबकि एकनाथ शिंदे गुट ने भी हाईकोर्ट में ही अर्जी लगाई थी। शिवाजी पार्क में होने वाली रैली, अब बता दें 5 अक्टूबर को होने वाली है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कई बार इस बात को कहा था कि उनका गुट शिवाजी पार्क में ही रैली करेगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि शिवसेना पिछले 56 सालों से मुंबई के शिवाजी मैदान में दशहरा रैली करती है, ऐसे में कोई भी उनकी इस परंपरा को तोड़ नहीं सकता। ठाकरे ने बागी गुट पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग बाला साहब ठाकरे के नाम का प्रचार करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जब दशहरा रैली के मौके पर शिवाजी पार्क मैदान में जमा होगी तो उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। आपको बता दें, शिवसेना और शिवाजी पार्क का पुराना नाता है और शिवसेना के संस्थापक यानी बाला साहब ठाकरे ने दादर के इसी शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की नींव रखी थी और यहीं से उन्होंने दशहरा रैली पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया था। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने पहली बार मिलकर सरकार बनाई थी तो शिवसेना नेता मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और शिवाजी पार्क के मैदान पर ही मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने शपथ भी ली थी। बाला साहब ठाकरे का इस मैदान से इतना ज्यादा लगाव था कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी इसी मैदान पर किया गया था और उसके बाद इसी मैदान पर उनका स्मृति स्थल भी बनाया गया है। आपको याद दिलाना होगा कि इस साल जून में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं और बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों के साथ ही महाराष्ट्र के कई जिलों में शिवसैनिक एकनाथ शिंदे गुट के साथ आ गए हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है उसके बाद 5 अक्टूबर को जो मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने का हक ठाकरे गुट की शिवसेना को मिल गया है, तो शिंदे गुट अब इस फैसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। शिंदे गुट के वकील ने ये जानकारी दी है कि फैसले की कॉपी आते ही सीएम एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा करके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कल इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं दी जाएगी, ये साफ हो जाएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट को काफी वक्त बाद एक लंबी राहत जो है वो जरूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात है उससे जो है ये आशंका भी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं इस पूरे फैसले को पलट तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 56 सालों से जो रीति रिवाज चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, वो ठाकरे गुट किसी भी कीमत पर और उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर उद्धव ठाकरे की इस नई जीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।